हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन रहता है, सर वहाँ जाके हम कितना अर्न कर सकते हैं, कनाडा में जाके हम कितना अर्न कर सकते हैं और कितने टाइम हम काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक ब्रीफली मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वहाँ जाके आप अपना फीस और लिविंग एक्सपेंसेस और सारा खर्चा निकाल लेंगे नेक्स्ट ईयर का, वो गलत आप थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कनाडा के अंदर आप 20 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं जिस स्टूडेंट को डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो 20 आवर्स आप पर वीक काम कर सकते हैं। वीक में 20 आवर्स का मिनिमम जो आपको पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा $10.95 पर आवर, जो कि $219 पर वीक के आसपास होता है। इस हिसाब से आप मंथली इंडिया की करेंसी में अगर हम बात करें तो 40,000 to 50,000 के अप्रोक्स मंथली आप कमा सकते हैं, जो कि साल के करीब 5-5.5 लाख रुपए के आसपास होता है। फ्रेंड्स, 5-5.5 लाख रुपए में आप अपनी ट्यूशन फीस पूरी सेकेंड ईयर की नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ अपना लिविंग एक्सपेंसेस, खर्चा, रहना, खाना, इस सब के पैसे आप निकाल सकते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। दूसरा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये कि आपके जो पूरा 1 ईयर का कोर्स है उसके बीच में आपके पास 3-4 महीने की छुट्टियां होती है, उस दौरान आप फुल टाइम करके महीने के 1-1.25 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं और उसमें से कुछ पैसा आप बचा के अपनी फ़ीस की तरफ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं फर्स्ट ईयर की फ़ीस पे करके सेकेंड ईयर वहीं के कमा के अपनी पे करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी कंसल्टेंसीज आपको ये बोलती हैं कि आप वहाँ पे कर दोगे अपनी फ़ीस वगैरह सब कुछ, वो गलत इन्फॉर्मेशन आप तक है। तो आप पहले ही तैयार होके जाएं कि मेरा कोर्स अगर 1 साल 2 साल 3 साल का है तो वो फीस मुझे अभी से उसकी व्यवस्था करके जाना है और घर से ही मुझे वो पेमेंट लेके और यूनिवर्सिटी में या लोन लेके मुझे यूनिवर्सिटी को पे करना है। नहीं तो आप पे इतना बर्डन आ जाएगा फ्रेंड्स कि आप पढ़ाई वहाँ पे नहीं कर पाएंगे और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स को देखते हुए आप पढ़ाई का काफ़ी लॉस कर देंगे और जो ये आपका एक बड़ा अमाउंट है 10 लाख 15 लाख जो भी आपकी फ़ीस है उसका आपको एक बड़ा नुकसान होगा और आगे जाके पीआर में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको 20 आवर्स पर वीक ही वर्क अलाउड है जिसमें आप 5-6 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं। तो यही फिगर लास्ट में स्टूडेंट वीज़ा पे बैठता है, तो ये सोच के ही आप कनाडा जाएं। थैंक यू फ्रेंड।